हाय गाइस, नमस्कार। मैं दीपक यादव और आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ। सामने जो दिख रही है कितनी खूबसूरत कार, टाटा पंच का ब्लू कलर में कार है, डुअल टोन में है, टॉप मॉडल है, टाटा पंच क्रिएटिव इसको बोलते हैं, टाटा पंच क्रिएटिव मॉडल में है। तो काफ़ी बेहतरीन टाटा पंच ने अभी मार्केट में जो है पिक पकड़ा है। काफ़ी इस कार का बिकने का सबसे बड़ा रीज़न है कि फ्रेंड्स, छोटी कार में 5 सीटर में ग्राउंड क्लीयरेंस और काफ़ी ऊँची मिड साइज एक्सयूवी की याद दिलाती है, कम पैसों में कार मिल जाती है। और इसकी जो टॉप मॉडल है डुअल टोन में, इसकी ईएक्स शोरूम प्राइस की बात करूं, एक बार आप इसका वॉक अराउंड देखिए, ईएक्स शोरूम प्राइस इसका 8,32,000 है और ऑन रोड आपको लगभग 1 से 1.5 लाख जोड़ लीजिए, 9.5-9.60 के आसपास पड़ेगी। और बहुत ही प्यारी खूबसूरत लग रही है, टॉप मॉडल है। पीछे आपको LEDs मिल जाते हैं और पीछे आपको वोकल फॉर लोकल की बेजिंग डिफोगर्स भी मिल जाते हैं टॉप मॉडल में। और ये देखिए कांजीरंगा की आपको जो है याद दिलाते हैं गेंडे के, यहाँ पे जो है टाटा वालों ने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एक फ़ोटो जो है। और आपको वाइपर मिल जाता है पीछे, टाटा पंच की बेजिंग मिल जाती है, बैक कैमरा भी इस मॉडल में मिल जाता है। ये रहा पूरा टोटल इसका वॉक अराउंड, 16 इंच के टायर मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े हैं, जो कहीं भी आप खड्डे ऊँचे खाले रास्तों में आप ऑफ रोडिंग भी जा सकते हैं। और आइए बात करते हैं इस कार के इंजन के बारे में। तो इसमें 1200cc का पेट्रोल इंजन आता है और बता दूँ पंच केवल पेट्रोल इंजन में ही आता है फ्रेंड्स। तो जो पावर निकालता है, और कंपनी जो क्लेम करती है 14.42 का माइलेज क्लेम करती है, हाईवे 15 क्लेम करती है। और जो पावर की बात करें तो इसमें 84 BHP पावर निकालती है यह कार और 113 Nm का टॉर्क की गाड़ी निकाल देती है। चलिए फ्रंट से बात करें, इस कार में क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको सारे जो है सामने देख रहे हैं हॉर्न के लिए यहाँ पे जिन्होंने गैप दे रखा है, और काफ़ी ब्लैक पियानो में यहाँ फिनिशिंग दे रखा है, टाटा की बेजिंग दे रखा है इन्होंने। और आपको DRLs यहाँ पे हैं पूरे, यहाँ से यहाँ तक DRLs जलती है। आपको मैं हेडलैम्प जला के दिखाता हूँ इसका, कितनी प्यारी कीलेस एंट्री है इसमें, और यहीं से आप हेडलैम्प इसमें ये देखिए जला सकते हैं, पूरा हेडलैम्प जल गया, ऐसे ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे साइड इंडिकेटर दिया हुआ है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको LEDs मिल जाती है सामने, और नीचे फॉग लैंप का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और फ्रंट बम्पर इसमें बैक कलर का इन्होंने दे दिया है। और आपको बात करूँ इस कार की, जो है आपको जैसे लॉक अनलॉक करेंगे, लॉक अनलॉक, और एक मिनट, कीलेस एंट्री है तो हम उसको खोल के दिखाते हैं। ऊपर आपको जो रूफ रेल्स भी उन्होंने दे रखा है, सामने एंटीना दिया हुआ है। और जैसे हम इसको की को इसके पास लाते हैं तो कीलेस एंट्री है, तो इस बटन को प्रेस करना है हमें, ये ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाते हैं, अभी कार लॉक हुई है, फिर उसको दबाएंगे तो अनलॉक होगी। ये साइड इंडिकेटर्स लाइट जलती है और ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। चलते कार के अंदर, आपको लेके कार के अंदर दिखाते हैं टाटा पंच में कितना स्पेस मिल जाता है। डोर से बात करें तो काफ़ी अच्छा है, वाइट कलर में उन्होंने दे रखा है, ब्लैक है, ब्लैक अच्छा क्वालिटी में उन्होंने प्लास्टिक दिया हुआ है, और ये वाइट है। यहाँ पे ORBM से आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक फीचर्स मिल जाता है, यहाँ पे ट्विटर मिल जाता है, नीचे साउंड बॉक्स मिल जाता है, आपको ग्लव बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है, फ्रंट में आप कुछ रख सकते हैं, और क्रोम यहाँ पे है आपको दिया हुआ है, और ब्लू कलर का अंदर बैजिंग कितना प्यारा लग रहा है। और सीट की बात करें काफ़ी अच्छा फैब्रिक क्वालिटी में इन्होंने सीट बनाया है, और यहाँ पे इससे आपको सीट आगे पीछे टिल्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छा है स्पेस है। तो कार के अंदर चलते हैं और बात करते हैं अंदर से, देखते हैं क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी में है। तो आ गए कार के अंदर, हॉर्न का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, और इसमें कोई इसी प्रकार हैंडरेस्ट ऑफ मॉडल में इन्होंने नहीं दिया है, 9.5 लाख में हैंडरेस्ट नहीं मिलता है। और यहाँ पे प्योरीफाइड इन्होंने दे रखा है, ए जी क्लेयर प्रेसनर सर्कल ग्लोव ऐसा कुछ है, अभी खुला नहीं है ऐसे। तो अंदर गर्मी में गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और पूरा डिजिटल मीटर भाई साहब दिया है, कार के अंदर रखते हैं। इसमें भी कीलेस एंट्री है, तो बटन पुश अप स्टार्ट यहाँ से होगा, धीरे से कार को स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं गाड़ी गर्मी तो नहीं है। भाई साहब आगे गाड़ी पीछे, गाड़ी ठुक जाएगी, हो जाएगी बर्बाद। क्लच काफ़ी लाइट है, एक मिनट, ये भी है, हैंड ब्रेक लगा है, तो गाड़ी को करते हैं क्लच दबा लिया नीचे, और उसके बाद करते हैं स्टार्ट। गाड़ी हो गई स्टार्ट, एसी ऑन है, ए वैल्यूम है, फैन को करते हैं स्लो, फुल पे है फैन, ब्रेक दबा के छोड़ते हैं, आवाज कम कर देते हैं कम। तो कुछ इस टाइप से फ्रेंड्स दिखता है, रिफ्यूल का ऑप्शन दिखा रहा है, पूरा डिजिटली का इसमें मीटर इन्होंने टॉप मॉडल में टाटा की पंच में दे रखा है। या एसी काफ़ी अच्छी कूलिंग इसकी है, और फैन थोड़ा सी स्पीड बढ़ाते हैं, दो पे कर देते हैं, अच्छी कूलिंग है। और फैंस की यहाँ पे डैशबोर्ड उन्होंने अच्छा खासा दे रखा है टाटा का, यहाँ पे आपको देखेंगे तो बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर देखेंगे टाटा की बैजिंग मिल जाती है आपको। यहाँ पे डिजिटली पूरा ऑडियो मीटर, इसमें ऑडियो मीटर दिया हुआ है, इसमें आपको इधर आप जैसे एक्सेलेरेटर दबाएंगे तो आप RPM आपका है,
आरपीएम बढ़ेगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ सारे कंट्रोल्स बटन्स, सारे कंट्रोल्स गाड़ी के स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं। इसमें वॉल्यूम के अप डाउन, ब्लूटूथ कनेक्टिंग वगैरह, और आपको जो है इंजन का मिल जाता है क्या, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब मिल जाते हैं। इसे आरपीएम मीटर है, सब कुछ आप यहीं से देख सकते हैं इसमें, बट पता नहीं चल रहा। हाँ, अभी इस बटन से मालूम चलेगा। आप देखिए स्टार्ट फ्यूल इकोनॉमिक दिखा रहा है मोड, और जैसे ही इस बटन को हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये बदल गया। देखिए अभी 8 किमी पर लीटर का एवरेज दिखा रही गाड़ी खड़ी है, क्रूज कंट्रोल में नहीं है, और टार्क है, पावर है। प्रेस ओके टू इंटर सेटिंग मेनू में आप चले जाएंगे, रिफ्यूल दिखा रही है। तो ये ऐसा है कुछ, ओके किया तो आप नीचे ऐसे आएंगे तो अबाउट क्लॉक वगैरह फंक्शन में आ जाता है, सब कुछ बैक कर देते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से है, हार्मोन का म्यूजिक सिस्टम है आपका, छोटा सा है जो है काफ़ी प्यारा है। और यह इसका जो आपको बता दूं, काफ़ी स्मूथ चल भी रहा है, कॉल लॉक्स कॉन्टैक्ट वगैरह है, भैया ब्लूटूथ है, पार्किंग पार्क असिस्टेंट है, और पार्किंग बैक कैमरा भी इसमें दे रखा है। तो यहाँ पे एसी का वेंट यहाँ पे दिखा, ब्लू ब्लू काफ़ी अच्छा लग रहा है, एसी कूलिंग अच्छी है। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ORVMs मिल जाते हैं, डेनाइट ORVM है, RVM है, IRVM डेनाइट आपको मिल जाते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, हेलोजन में ही मिलता है, माइक मिल जाती है। और यहाँ ऊपर से बात करें तो कोई भी इसमें वारंटी मिरर नहीं मिलता है, इस साइड वारंटी मिरर मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा स्पेस है। नीचे बात करें तो वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी मिल जाती है इसमें, यहाँ पे फैंस का डिफोकर का सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ फैंस है, और ये पता नहीं, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है आपको, यहाँ पे आप जो है USB लगा सकते हैं। और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं मिलता, ओनली गियर है। और यहाँ पे आपको कुछ सम यहाँ भी 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जिंग इन्होंने दे रखा है, टाटा वालों कई जगह 12 वोल्ट सॉकेट दिया है। यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं, बॉटल होटर कोई नहीं दिया है यहाँ पे, आप कुछ परफ्यूम वगैरह ऐसे कुछ ये रख सकते हैं, तरह कुछ नहीं दिया इन्होंने। और सीट के काफ़ी अच्छा है उस, और उस साइड की बात करें तो उस डोर पर भी आपको जो है ओपनर और डोर सीट डाउन का मिल जाता है, विंडोज़ का बटन, चारों डोर पे विंडो बटन मिल जाती है। इसकी बात करें तो कुछ वुडन कलर में यहाँ पे, वुडन में यहाँ पे प्लास्टिक दिया हुआ है इन्होंने। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स खुलता कहाँ से, यहाँ से है, इसमें लाइटिंग है, पर कूल ग्लव बॉक्स दे रखा है इन्होंने, लाइटिंग अच्छा डीप है, सब कुछ ठीक है इसका। और ट्विटर चारों पिलर पर यहाँ पर इन्होंने ट्विटर का फिटिंग कर दिया फ्रेंड्स। तो ये रहा सामने का, और चलते हैं रियर में, दिखाते हैं रियर में कितना इसमें इस कार में स्पेस मिलता है फ्रंट से। रियर डोर खोल के ओपन करते हैं तो कुछ इस साइड से है। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं टाटा पंच की, तो ये देखिए आप, फ्लैट जो है 90 डिग्री ओपन हो रहा है दरवाजा, पूरा फ्लैट आइए जाइए भाई साहब, और डोर दरवाजों का ऐसे खुलता है। ये देखिए खास फीचर्स, पूरा 90 डिग्री खुल रहा है, ओपन हो रहा है टाटा पंच का डोर्स। और इसको हम करते हैं क्लोज, और आइए अब डोर बैक दरवाजे चलते हैं। और यहाँ पे भी आपको सेम वही कलर से दो डुअल टोन मिलता है, वाइट और ब्लैक में मिल जाता है। और यहाँ पे जो है आपको शीशे का पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे बॉटल का होल्डर रख सकते हैं, यहाँ पे ट्विटर मिल जाता है, पीछे साउंड मिल जाएगा, और अच्छा खासा स्पेस है पीछे भी इस कार में। और टॉप मॉडल के होने के साथ साथ डुअल टोन में भी आपको जो है पीछे रियर एसी नहीं मिलती है, आराम से दो एडल्ट आ जाएंगे, एक बच्चा आ जाएगा इसमें। और इसमें हेडरूम अच्छा खासा है भाई, अल्ट्रोज में तो कम था, बट इसमें आप देखेंगे तो अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है, हेडरूम अच्छा खासा मिल जाता है, काफ़ी स्पेसियस कार लग रही है अल्ट्रो से, ज़्यादा बड़ी बल्की लग रही है, ऊँची भी लग रही है, और पीछे हेडरेस्ट मिल जाता है। तो रियर की बात करें तो रियर में भी आपको जो है मैंने बताया था, वाइपर मिल जाता है, डिफोकर मिल जाता है, यहाँ पे कांजीरंगा के जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, घंटे की मिल जाता है, पीछे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, टाटा पंच की बेजिंग मिल जाती है, और आप LEDs मिल जाता है, LEDs पूरी चलती है, हैलोजन बल्ब यहाँ पे मिल जाते हैं, बैक कैमरा मिल जाता है। और इसको ओपन करने के लिए एक मिनट देखते हैं ओपन कहाँ से होता है, फ्रंट से की है, तो की से देखते हैं कि इसमें बटन दिया रखा है, टाटा अल्ट्रोस तो नहीं ओपन है, बट इसका देखते हैं ओपन होती है कि नहीं, मैंने पुश करके रखा है, अभी देखते हैं बूट इसका कैसे ओपन होता है। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, ओपन तो नहीं हो रहा, दिखाएंगे बाद में। तो पीछे से लुक टाटा पंच का इस टाइप से है, आपको जो है और रिव्यू साइड से इस साइड दिखती है। अगर आप पेट्रोल में और 8 से 9 लाख बजट में एक मजबूत कार ढूंढ रहे हैं, अच्छी खासे माइलेज 15 से 20 के बीच निकाल देती है, तो आप पंच पे जा सकते हैं, एक डीलरशिप टाटा का डीलरशिप जाएं और गाड़ी को देखें और टेस्ट ड्राइव लें, फिर आप कोई भी कार बुक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी हो, जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी साथ जय हिंद, जय भारत।